नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अतुल एहसास और मेरे साथ मेरे साथी सुनील, और आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के गोरेगांव स्थित आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के लिए करीब 2700 पेड़ काटने का काम शुरू हो गया, तो वहीं पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ आमजन इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई मेट्रो के लिए कार शेड बनाने के लिए खासकर महाराष्ट्र सरकार ने आरे कॉलोनी के जंगल के 2702 पेड़ काटने के आदेश दिए हैं। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेड़ काटने के आदेश के खिलाफ दायर हुई याचिकाएं खारिज कर दी है। वहीं अब इलाके में धारा 144 लगाकर पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसका विरोध करने पर शिवसेना की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी समेत 200 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। यूं तो पीएम मोदी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की दुहाई देते हैं, और पिछले दिनों उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने भाषण के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से पेड़ बचाने की अपील भी की है। लेकिन दुनिया तो दूर, खुद हमारी माया नगरी मुंबई में पीएम की अपील का कोई असर देखने को नहीं मिला। सुनिए उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा था। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की, जिसमें एजुकेशन, वैल्यूज और लाइफस्टाइल से लेकर डेवलपमेंट फिलोसॉफी भी शामिल हो। आज जरूरत है बिहेवियरल चेंज के लिए एक विश्वव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने की। प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण यह हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है। नीड नॉट ग्रीड हैज बीन अवर गाइडिंग प्रिंसिपल। तो वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि ये जंगल नहीं है। उन्होंने दिल्ली मेट्रो स्टेशन का हवाला दिया, और सुनिए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। टेल एनीथिंग एज अ फॉरेस्ट, और मैं उदाहरण देता हूं, दिल्ली में मेट्रो हुई, आज दुनिया की सबसे बेस्ट मेट्रो अगर कही है वो दिल्ली में है। बाहर के देशों के लोग, अमरीका के भी यहां आकर खुश होते हैं। लेकिन उसका विकास कैसे हुआ? जब पहला मेट्रो स्टेशन बना तो 20-25 पेड़ वो स्टेशन के लिए गिराने की जरूरत थी, तो लोगों ने ऐसा ही विरोध किया। लेकिन एक पेड़ के बदले 5 पेड़ लगाए हैं, आज सभी वृक्ष बन गए हैं 15 साल में 17 साल में, और 271 स्टेशन बने। दिल्ली का जंगल भी बढ़ा, और दिल्ली में 30 लाख लोगों की पर्यावरण पूरक ट्रैवल की, सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा हुई। यही है मंत्र, विकास भी, पर्यावरण की रक्षा भी। तो चलिए, जिस तरीके से आपने जावड़ेकर जी को सुना और उन्होंने कहा कि विकास की राह पे बढ़ना है तो पेड़ काटने पड़ेंगे, परंतु कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी एक अपनी पीड़ा है, वो चाहते हैं कि पेड़ ना कटे। तो आइए स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। लेकिन सिर्फ हमारे पेड़ों को काटो मत, हमारा जो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है उसको आप नुकसान मत पहुंचाइए। शहरों के साथ रहते हैं, आप दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढिए, क्यों प्लांट को ही काटना है? अल्टरनेटिव्स है ना, जो प्लॉट पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं, वो प्लॉट को आप वहाँ पे बना दीजिए। मैं आरे में ही हूँ, एवरीडे हमारा सामना होता है, हम सांपों के साथ रहते हैं, आते जाते हैं, हम रास्ते में आते जाते हैं, 16 नंबर यूनिट स्कूल में पीछे ही वहाँ शेर रहते हैं, हमको तो आज तक कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि पेड़ काटने का समर्थन करने वाले कोई लोग हैं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक मजबूरियों के तहत या सत्ता पक्ष की गुलामी करते हैं, इसलिए कर रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कोई भी मानव जाति पेड़ काटने का समर्थन कर सकता है, क्योंकि जो पेड़ है हमको जीवन देता है। चलिए, जिस तरीके से आपने स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया सुनी सुनील, जिस तरीके से संजय निरुपम भी कह रहे थे कि कोई नहीं चाहता कि पेड़ कटे, कोई नहीं चाहता, चाहे हम प्रगति के नाम पर पेड़ काटें या एक नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए पेड़ काटें, परंतु मेरे ख्याल से ये लगता है कि कहीं ना कहीं इन पेड़ों को बचाना चाहिए। परंतु एक चीज़ और है कि कोर्ट ने भी आदेश दे दिए कि नहीं, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, पेड़ कटने देने चाहिए, प्रगति की बात है और प्रगति के लिए कुछ भी किया जा सकता है और पेड़ों को काटा जा सकता है। दूसरी तरफ जब हमने सबसे पहले पीएम की जो बाइट सुनी हमने यूएन में, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि नहीं यार, जलवायु संरक्षण के लिए पेड़ लगाना जरूरी है, पेड़ों को बचाना जरूरी है। 2000 के करीब पेड़ काटना
और वो भी एक साथ, जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय लोग भी ये बोल रहे हैं कि हम सांपों के साथ रहते हैं, शेरों के साथ रहते हैं, हमको तो कभी डर नहीं लगता, हम एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, तो ये सब क्या लगता है आपको? अतुल जी, राजस्थानी में मारवाड़ में एक कहावत है, सर काटे रूख बचे तो भी सस्तो जान, यानी कि एक सिर काट के भी अगर हम एक पेड़ को बचा लें तो वो बहुत सस्ता है। ये चीज बहुत मार्मिक है और बहुत पुरानी बात ये कही हुई है मारवाड़ियों के द्वारा, क्योंकि मारवाड़ियों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, राजस्थानियों से ज्यादा एक पेड़ की कीमत कोई नहीं समझ सकता। आज मैं इस चीज को देखते हुए आपको फिर से वही बात याद दिलाना चाहता हूँ, अमृता देवी की बात याद दिलाना चाहता हूँ। उस समय पर भी विकास के नाम पर मान लीजिए या अपना महल बनाने के नाम पर मान लीजिए, पेड़ काटे गए थे, और पेड़ काटे गए तो उस समय जो वहां के आम लोग थे, ठीक इसी प्रकार का वाकया था, वहां के जो आम लोग थे वो पेड़ों से चिपक गए और 363 लोगों की बलि दे दी गई, जिसमें तो अमृता देवी ने अपने 3 बेटों की भी बलि दे दी। जी हाँ जी हाँ, वो क्या था, वो असल में पेड़ों के प्रति लोगों का प्रेम था, पर्यावरण के प्रति प्रेम था, उस समय 363 लोगों की बलि। और आज फिर वही चीज अगर सामने आती है, यहाँ उल्टा हो रहा है, जहाँ सरकार ये कहती है, एक जागृति जन जागृति अभियान चलाती है कि पेड़ लगाओ, और वहां पर सरकार पेड़ काट रही है और आम आदमी उसे बचा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक जन आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए, उनकी बात जनता ने तो मान ली, जन आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन प्रशासन नहीं सुन पाया, उनकी बात को नहीं मान पाया, और उन्होंने पेड़ काटने शुरू किए, 2700 पेड़, किसे कहते हैं 2700 पेड़। तो एक चीज और भी है कि जहां जलवायु की बात की जा रही है, जलवायु संरक्षण की बात की जा रही है, पूरा विश्व उस संकट से जूझ रहा है, जिस तरीके से जलवायु ने परिवर्तन लिया है, हिंदुस्तान में देखिए बिहार के हालत क्या आ रहे हैं, अभी भी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और बाकी जगह देख लीजिए, कई गाय बगाए बारिश हो रही है, जबकि आप और ये प्रगति का जो ठैंग जो कहीं ना कहीं भार उठा के और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं समझते इस बात? जी हाँ बिल्कुल, वो सब समझते हैं, बात करते हैं, बात करके खत्म कर देते हैं, लेकिन जब आम आदमी समझने लगता है तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं जो कि मुंबई में इस समय पैदा हुई हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मेट्रो का स्टेशन बनाने के लिए, कार की पार्किंग, कार का शेड बनाने के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं, कार का शेड बचाना इतना जरूरी नहीं है, सबसे पहले इस पर्यावरण का शेड, जो कि इस पर्यावरण की जो छाया है, इस पर्यावरण का जो वातावरण है, जो पर्यावरण की चीज है, वो पेड़ बचा सकता है, उस पेड़ को आप काट रहे हो और वहां कह रहे हो कि हमें कारें खड़ी करनी है, ये कौन सा नियम है? जब हम कार का शेड नहीं होता तो किसी पेड़ के नीचे खड़े करने की सोचते हैं, पेड़ नहीं रहेंगे उस दिन, क्या हर जगह पे आप कार शेड बना पाओगे? एक तरफ जावेडकर साहब कह रहे हैं कि जब दिल्ली में बने थे तो 20-25 पेड़ हमने दूसरी जगह लगाए, बिल्कुल मान ली उनकी बात, बिल्कुल सही है, बहुत एक अच्छा। पेड़ के बदले 5 पेड़ लगाए, एक पेड़ के बदले 5 पेड़, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा आज 15 साल बाद वो सारे पेड़ बड़े हो गए हैं। अब आप मुझे बताइए 2700 पेड़ के जो 15 साल का गैप है, आज 2700 पेड़ आप काटेंगे, उसके बाद उन्हें उन 2700 पेड़ों की जगह आप चलिए 5 गुना करके भी लगा रहे हैं, लेकिन 15 साल तो फिर भी चाहिए, 15 साल भी तो हमें चाहिए, उन 15 साल का क्या होगा, वो 15 साल का गैप कहाँ जाएगा? और उस 15 साल में जो पर्यावरण पलट रहा है, जो पर्यावरण उलट रहा है, उसका क्या होगा? आज हर जगह पे बरसात है, हर जगह पे बाढ़ आ रही है, ये किस कारण से आ रही है? सिर्फ इसी कारण से आ रही है क्योंकि पेड़ नहीं है। चले एक चीज और भी, बात जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे पर्यावरणविद हैं जो हिंदुस्तान में हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, नदियां बचाने के लिए भी बात होती रही, बहुत सारी चीजें बात होती रही। हमारे साथ कुछ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं, ट्री मैन पर्यावरणविद हैं विष्णु लांबा जी, और विशेक विश्नोई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले ट्री मैन पर्यावरणविद विष्णु लांबा जी के पास आ जाता हूं। विष्णु लांबा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से मुंबई के जो बात चल रही है, आज कोर्ट ने आदेश दिए, कोर्ट के आदेश के ऊपर कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां हुई है, बहुत सारी बातें हुई है, पेड़ कटाई की बात है आर्य कॉलोनी में, क्या कहना चाहते हैं पर्यावरणविद होने के कारण, और हमें पता चला है कि आप इस वक्त मुंबई में ही हैं। मैं अभी मौके पर खड़ा हूं जहां पर ये सब चल रहा है, पिछले 2 महीने से यहीं पर हूं। ये क्या है, ये पूरा मसला क्या है, पूरे मसले को आप बहुत करीब से देख रहे हैं? मैं बता रहा हूं, निवेदन करूं मैं आपसे, ये बीएमसी का विषय है, महाराष्ट्र वन विभाग का, इससे सीधा सीधा कोई कार्यक्रम नहीं है, ये बीएमसी के क्षेत्र में आता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, और जो कार्यवाही हो रही है वो कोर्ट के आदेश के बाद ही हो रही है, ये भी सही है, लेकिन मेरा पर्यावरण के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते ये आग्रह है आपके माध्यम से कि इसमें जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति ने इस आंदोलन की दिशा बदल दी, जैसे और जिस भी आंदोलन में राजनीति घुस जाती है, जो नेता जहां घुस जाते हैं
वहां से वो उद्देश्य से बातें भटक जाती हैं। जो पिछले 5-7 दिन के अंदर 5-7-10 नेताओं के दौरे हुए हैं, रात को जो नेता यहां पर आए थे, आज सुबह जो आके गए हैं, अभी 2 घंटे पहले एक भाई साहब और आके गए, वो भी बड़ी बड़ी बातें मरने और मारने की कर गए, वो तो चले गए, लेकिन जो उनके जोश में आकर के जो मरने मारने वाले वो सड़कों पे हैं। तो ये जो राजनीतिकरण जहां किसी विषय का, किस तरीके के मरने मारने की बात करके गए, किस तरीके के मरने मारने की बात करके गए, वो कह के गए हैं कि जान दे देंगे हम लोग, पेड़ नहीं कटने देंगे। आप जब मीठ पानी की नदी को खत्म किया जा रहा था, मीठी पानी की नदी बर्बाद की जा रही थी इसी मुंबई की सरजमी पे, मीठी नदी, आप कहाँ थे उस समय? आप कहाँ थे जिस समय आरे का विषय शुरू हुआ, जिस समय ये बच्चे, मासूम बच्चे अपनी पढ़ाई घर बार छोड़ करके पेड़ बचाने के लिए, अमृता देवी विष्णु की शहादत को जिंदा रखने का काम करने के लिए, भारत ने पेड़ को परमात्मा कहा उस बात को साबित करने के लिए, आज पढ़े लिखे बच्चे भी सड़कों पर आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो उन लोगों की भावनाएं समझने के लिए उस समय ये लोग कहाँ थे? तो चुनाव के ठीक वक्त पर आकर इस तरह से करना, और एक पूर्व जो पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है वो भी जो अभी 4 दिन पहले आकर जिस तरह की यहाँ बातें करके गए हैं, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि जो बच्चे हमारे हैं बहुत ही सकारात्मक दिशा में पढ़ रहे हैं, आज क्लाइमेट चेंज को लेकर के 16 साल की ग्रेटा थुनबर्ग और जो है नोबेल प्राइज विनर तक पहुंच जाती है और 130 देशों के विद्यार्थियों को जगाने का काम, सकारात्मक काम करती है, तो भारत का व्यक्ति का तो ज्यादा अधिकार बनता है। भारत ने तो 363 लोगों के साथ में अपनी गर्दनें कटवाई है, विष्णु समाज का पूरा विश्व को ऋणी होना चाहिए। हम लोग उस परंपरा से, उस परिवारों से आते हैं, उस संस्कार से आते हैं, तो आज उन बच्चों के साथ में। चलिए, आपने विष्णोई समाज की बात करी, मेरे साथ विशेष विष्णोई इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशेष विष्णोई, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से आप पूरा माहौल देख रहे हैं, जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो राजस्थान जिस तरीके से सुनील मेरे साथी बता रहे थे कि सर कट जाए परंतु रूख ना कटे, जिस जो राजस्थान वो राजस्थान, उस राजस्थान से आप आते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आर्य कॉलोनी में जिस वहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं, लोग वहां पर उसका विरोध कर रहे हैं और उनको सजा मिल रही है, क्या कहना चाहते हैं? ये जो पेड़ काट रहे हैं बहुत ही अलग तरीके से मानते हैं कि हाई कोर्ट ने, न्यायालय ने आदेश दिया है कि पेड़ काटो, लेकिन आज तक किसी न्यायालय ने ये नहीं कहा है कि विकास के नाम पे एक जगह काटो उसके बदले हजारों पेड़ लगाओ। अभी जो अभी स्टूडियो में आप में बात कर रहे थे सुनील जी के, भाई जो अभी 15 साल लगेंगे उस पेड़ को उतना बड़ा होने में, उस गैप को कवर कैसे होगा? और रही बात जब विकास की बात आती है तो पेड़ यही कहा जाता है कि इसको काट दो और उसकी जगह विकास कर दो, लेकिन एक मैं कहना चाहूंगा आपका माध्यम से कि अमृता देवी बिश्नोई जो खेजड़ली गांव जोधपुर जिले में शहीद हुई थी, 363 लोग वहां पर बलिदान दिया था, लेकिन वहां पर विकास की कोई बात क्यों नहीं करता? आज दुनिया के सामने वो इतिहास कोई क्यों नहीं लाना चाहता? अब कल जो अमिताभ बच्चन ने केबीसी के अंदर एपिसोड में वो सवाल उठाया 1731, जबकि कई मीडिया में कई अलग अलग इसको डेट है, क्योंकि हकीकत में जिस चीज को अवेयरनेस करना है और सरकार को उठाना चाहिए वो तो उठाते ही नहीं है। तो मेरे साथी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विशेष जी मेरे साथी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सुनील, विशेष आप तो खुद 363 मिशन 363 को लेकर चल रहे हैं और आपके पिताजी हैं राणा राम बिश्नोई जो कि ना जाने कितने पेड़ इस उम्र में भी लगा रहे हैं, ऐसे में जी, ऐसे में जब इस तरह की बात होती है कि विकास के नाम पर मुंबई जैसे शहर में, मुंबई जैसी जगह पे, वाकई में मुंबई को हादसों का शहर कहा जाता है और ये हादसा जिसे कहा जाए ये तो वाकई में बहुत बड़ा हादसा है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये 2700 पेड़ जो कटेंगे इनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है किसी भी तरीके से? इनकी क्षतिपूर्ति कुछ नहीं होगी। अभी क्या है कि जिस तरह से जनता के अंदर आक्रोश फैला है उस हिसाब से उसको दबाने के लिए आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन कभी भी इसकी पूरी नहीं हो सकती है। जिस तरह से देखो कि पर्यावरण पे काम करने वाले और पर्यावरण को लेकर के जो भी होते हैं सिर्फ आश्वासन और घोषणा ही होती है, एक्चुअल में कुछ नहीं होती है। आज मेरे पिताजी को भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़े बड़े न्यूज चैनल, फेसबुक पे काफी लोगों ने भी, यहाँ तक कि वीवीएस लक्ष्मण ने भी इनकी एडमायर की। और विषय आपके पास वापस आते हैं, विष्णु लांबा जी से मैं बात करना चाहूंगा। विष्णु जी, आपने बताया कि आप इस समय मौके पर हैं, तो अब क्या लग रहा है आपको जो लोग विरोध कर रहे हैं और जो उन लोगों का विरोध कर रही है प्रशासन या सरकार, उनका विरोध कर रही है, क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है? अभी महाराष्ट्र में आचार संहिता लगी हुई है जी, ये हम सबकी जानकारी में है, तो इसलिए किसी राजनेता का सीधा सीधा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो राजनीति सेक रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो नेता यहाँ आ रहे हैं उनको इस आंदोलन से दूर रखना चाहिए, आंदोलनकारियों को सावधान रहना चाहिए,
माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना के साथ संवैधानिक तरीके से माननीय न्यायालय से अगर कुछ और भी आप आग्रह करना चाहेंगे उसके 50 तरीके हैं, लेकिन एक तरफ आप भारत माता की जय भी बोल रहे हैं और भारत और गालियां भी दे रहे हैं, जिस तरह की मां की गालियां रात को दी गई वो वीडियो भी आप दिखाएं चैनल पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वन विभाग महाराष्ट्र ने 33 करोड़ पौधारोपण अभियान जैसा पूरे विश्व में, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक अनूठा प्रयोग यहाँ किया है, उस प्रयोग की भी लाज रखें। ग्रीन आर्मी के माध्यम से 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम यहाँ के यशस्वी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी ने जिस तरह का कार्य किया वो भी लोगों के सामने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत। विष्णु जी, सबसे बड़े जावड़ेकर साहब की हम बात सुन रहे थे, जावड़ेकर साहब ये बोल रहे हैं कि प्रगति चाहिए, देश के अंदर प्रगति चाहिए तो ये सब होगा और ये सब आपको सहन करना पड़ेगा। एक पेड़ की जगह एक पेड़ कटेगा तो 5 पेड़ लगेंगे। दिल्ली में हमने प्रगति का दौर देखा है, मेट्रो के लिए हमने जिस तरीके से प्रयास किए थे, हमने एक पेड़ की जगह 5 पेड़ लगाए हैं। ये क्या, ये जो प्रगति है ये किस तरीके की प्रगति देखते हैं? सम्मान्य जावड़ेकर जी का तो ठीक है, हमारे सम्मान्य केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के नाते हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, मेरे उनके बयान में नहीं सुना इस मामले को लेकर के, मेरी इस बारे में उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है, 15 दिन हो गए मिले हुए उनसे। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि अभी हमारे महाराष्ट्र के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जरूर आज तक पर, माफ कीजिएगा चैनल का नाम ले रहा हूँ दूसरे का, आपके चैनल पे उन्होंने चैनल पर ये स्पष्टीकरण दिया था कि 15,000 पौधे हम लोगों ने लगाए हैं और 23,000 हम लोग लगाने वाले हैं इसको लेकर के, और उन्होंने कहाँ कहाँ लगवाने वाले हैं इसकी योजना भी उन्होंने प्रस्तुत की थी। तो मेरा न तो कोई सरकार से कोई लेना देना है, ये भी इस समय आचार संहिता का विषय भी है ना किसी और से है, लेकिन मेरा ये है कि जो बच्चे, मासूम बच्चे, जो लोग, जो बेटियां हमारी, बहनें जो सड़कों पर बैठी हैं अपना घर परिवार अपना काम छोड़ करके, उनकी भावनाएं आहत ना हो, सम्मान्य न्यायालय से भी मेरा आग्रह है। लांबा जी, मैं आपके आप तक वापिस आता हूँ, लांबा जी मैं आप तक वापिस आता हूँ। हमारी साथी राखी हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई है। राखी, जिस तरीके से पूरा इशू चल रहा है आर्य कॉलोनी में, जिस तरीके से पेड़ काटने की बात चल रही है, एक ओजस्वी तरीके से आप हरदम अपनी बात रखती रही हैं, क्या कहना चाहती हैं इस पे? अगर बात करें तो जी, जिस तरीके से, क्योंकि आरे एक ऐसी जगह है जो मुंबई का फेफड़ा कहा जाती है, अगर मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ फेफड़ा कहा जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि आरे जो फॉरेस्ट है वो कितना जरूरी है मुंबई के लिए, क्योंकि ये एरिया कभी 3,000 एकड़ में फैला था जो अभी सिर्फ 1,300 एकड़ में सिमट गया है, यानी कि इसके जो छोटे छोटे पार्ट करके इनको इसको बांट दिया गया, और अब क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, सड़कें बना दी गई, जिससे वो एरिया बट गया। तो वहीं जो जीव जंतु हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं पेड़ कट गए वहां पे, तब भी पेड़ कटे थे और अभी भी जीव जंतु जो वहां रहने वाले जंगली जानवर हैं उनको उतनी ही परेशानी हुई। तो अगर अब 2700 पेड़ कटते हैं, हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, आरोप ये भी लग रहे हैं सरकार पर कि 400 पेड़ कट चुके हैं, लेकिन अगर 2700 पेड़ जिस तरीके से कटते हैं तो कहीं ना कहीं ये इसका जवाबदेही कौन होगा, क्या जलवायु पर फर्क पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि प्रोग्रेस के नाम पर ये सब होगा, प्रोग्रेस करनी है अगर देश के अंदर कुछ विकास की बात करनी है, देश के अंदर कुछ प्रगति की नई धाराएं खड़ी करनी है तो पेड़ तो काटने पड़ेंगे, ऐसा कहा जाता है। जो सियासत के दौर के लोग हैं वो सियासत के लोग यही कह रहे हैं कि प्रोग्रेस के नाम पर पेड़ तो कटने पड़ेंगे। लेकिन मैं जिस भूमि पे खड़ी हूँ उसे राजस्थान कहते हैं, यहाँ पे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है जैसलमेर को, और यहाँ पर ही जोधपुर में वो औरत थी जिन्होंने पेड़ कटने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी थी, अपनी बच्चियों के साथ, अपनी 3 बेटियों के साथ वो पेड़ से चिपक गई, उन्होंने कहा अगर पेड़ कटेंगे तो मैं अपनी गर्दन भी काट दूंगी। तो एक वो औरत थी और एक ये आंदोलन, ये सेम उसी चीज की याद दिलाता है कि जिस तरीके की हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, और अगर पेड़ कटने की बात है तो इसकी बानगी अभी हम पटना कहीं ना कहीं हम चिपको आंदोलन की भी यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने एक, क्योंकि औरतें उससे चिपक गई थी कि मैं इस पेड़ को कटने ही नहीं दूंगी, उन्होंने कहा जान चली जाए लेकिन पेड़ नहीं कटने दूंगी, और उनकी जान चली गई थी। और ये जो हम देख रहे हैं आज जलवायु परिवर्तन का जो नजरिया है, जो अभी हम देख रहे हैं इसकी जो बानगी है वो पटना में भी देखने को मिल रही है, वो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या हालत है इस वक्त बाढ़ की वजह से, सिर्फ पेड़ कटने की वजह से, क्योंकि जंगल कट रहे हैं, पानी नहीं रुक पा रहा है और शहरों में पानी हो रहा है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि घरों में और शोरूम्स में पानी घुस गया, और उसके बाद भी प्रशासन अब, हालांकि भले ही गिरिराज सिंह ने कह दिया हो कि हम सरकार जनता से माफी मांग लेंगे, लेकिन माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से माफी पेड़ कटने की कोई माफी नहीं होनी, बिल्कुल माफी नहीं होगी। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संयुक्त राष्ट्र में कही है कि हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो पेड़ बचाना है, लेकिन यहाँ पर अगर सरकार ही उस चीज को संरक्षण दे रही है, अगर पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है और फिर पेड़ काटने वालों का ही जो विरोध कर रही है उनको ही जेल भेज रही है, तो कहां पर संरक्षण की बात आती है? सुनील, जिस तरीके से सारा सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है, जिस तरीके से बात हो रही है, क्या लगता है आपको कि वाकई में क्या, देखिए विकास भी जरूरी है देश के अंदर, मैं एक दूसरे तरीके से भी बात कर लूं कि विकास भी जरूरी है, विकास भी होना चाहिए, परंतु पेड़ भी बच जाए और विकास भी हो जाए, कुछ ऐसे रास्ते नहीं निकलने चाहिए?
जी हाँ, बिल्कुल निकलने चाहिए। जैसे कि जितने भी, जब भी सरकार आती है, सरकार अपने विकास के जो दावे होते हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करती है, जो वादे किए होते हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करती है, और वो ये कहती भी है। जैसा कि मैं फिर से एक बार जावड़ेकर साहब की बात को कहता हूँ कि जब उन्होंने एक पेड़ काटा और कहा कि हमने 5 पेड़ लगाए, और लगभग हर जगह यही होता है, जब कोई सड़क बनती है तो भी यही कहा जाता है कि पेड़ काट के हम दूसरी जगह पर दूसरे पेड़ लगा रहे हैं, परंतु फिर भी हमें कहीं पर भी वो पेड़ लगे हुए नजर नहीं आते। हमें चारों तरफ कंक्रीट तो नजर आ रही है, हमें रोड नजर आ रही है, हमें कॉलोनीज नजर आ रही है, लेकिन जंगल फिर भी कम होते जा रहे हैं। आरे पर आप आरिया चला रहे हैं और बात कर रहे हैं विकास की, कुछ दिन बाद जब फिर जिस तरीके से जो बताया अभी राखी ने, जिस तरीके से बताया कि इतना बड़ा एरिया था वो सिमट के बहुत छोटा हो गया। मैं अक्सर जब भी बॉम्बे जाता हूँ और चर्च गेट से जब मुझे बोरीवली जाना पड़ता है तो मैं आरे कॉलोनी से होके ही निकलता हूँ। वो जो नज़ारा है वहाँ पे, इतने बड़े पेड़, हरियाली और जो सब कुछ नज़र आता है, और जब आप शाम के टाइम वहाँ से निकलो, जिस तरीके से एक ठंडी हवा का झोंका, जब आप शीशा उतारोगे गाड़ी का तो आपको जो ठंडी हवा का झोंका, एकदम फ्रेश हवा का झोंका, जब आपके साथ आपको जब कहीं उस हवा से रूबरू कराएगा, जब आपके चेहरे पे आके वो थपेड़ा लगता है और जब नाक में वो ठंडी हवा, आपके शुद्ध हवा जब जाती है तो आपको खुद को लगता है कि नहीं, वाकई में कुछ अलग सी जगह है। वो मुंबई जो भागती हुई मुंबई, वो मुंबई जो कहीं ना कहीं रेंगती हुई मुंबई, वो मुंबई जो कि पर्यावरण को लेकर कहीं ना कहीं हरदम धत्ता दिखाती रही, यहाँ गाड़ियों के धुएं अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, वो एक अलग सा एरिया है आरे कॉलोनी, जहाँ पर कि आपको सब कुछ दिखेगा। अब सबसे बड़ी बात है, नेशनल पार्क से ये पूरा का पूरा एरिया जुड़ा हुआ है। आगे तक जाएंगे आप बोरीवली तक तो नेशनल पार्क तक का ये एरिया जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आप वो, आप एक चीज़ देखिए, बड़े बड़े लोग जितने भी हैं सी बीच पे अपना मकान बनाने की कोशिश करते हैं, सी की तरफ अपना खिड़की रखते हैं रहने के लिए कि मेरे जब सुबह उठूं तो मुझे समुंदर दिखाई दे। इसी तरीके से जब ये जो नेशनल पार्क का जो एरिया है बोरीवली और इसके आसपास का एरिया, वहाँ पे लोग अपने घरों को उस साइड में घर के खिड़कियाँ बनाने की कोशिश करते हैं कि सुबह जब हम खिड़की खोलें तो हमें प्रकृति का नज़ारा दिखे, और ये प्रकृति कहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, ये हम मेरे समझ से बाहर है। क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सी बीच पर लोग मकान बनाते हैं, सी व्यू मकान बनाते हैं, सी व्यू होटल्स होती हैं, फॉरेस्ट व्यू होटल्स होती हैं, परंतु जब इस तरह से होटल्स पेड़ हटा देंगे, आप जंगलों को हटा देंगे, तो वहां सामने क्या रहेगा? सिर्फ मेट्रो स्टेशन। उस मेट्रो, अभी आप कह रहे हैं कि वहां पर एक खूबसूरत नजारा होता है, बहुत अच्छा मौसम होता है वहां, अब आप सोचिए उसकी कल्पना कीजिए कि जब वहां से पेड़ हट जाएंगे और वहां मेट्रो स्टेशन होंगे, कंक्रीट के जंगल होंगे, वहां पर एसी लगे होंगे जो कि बहुत सारी ऊर्जा बाहर फेंक रहे होंगे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, राखी से कुछ सवाल करना चाहेंगे? राखी हमारे जयपुर से जुड़ी हुई है। जी राखी, राखी जैसा कि बात यही है, अक्सर हम सुनते हैं मीडिया में, हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे एरिया में पैंथर घुसाया, हमारे एरिया में बाघ घुसाया, लेकिन असल में हम उनका पेड़ काट के गए हुए होते हैं और असल में हम उनके एरिया में जा रहे होते हैं, वो तो अपने ही एरिया में हम उनके, वो हम लोग उनके एरिया में कब्जा कर रहे हैं कि वो हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं, शायद ऐसा कुछ है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हम आरे में कर रहे हैं कि हम उनके एरिया में घुस रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि मुंबई का सिर्फ एक ऐसा इलाका है जो हरित क्षेत्र कहलाता है, सबसे ज्यादा हरित क्षेत्र, और जहाँ पर सबसे ज्यादा जो जीव जंतु हैं वो रहते हैं। अगर ये पेड़ कटते हैं जिस तरीके से अभी की स्थिति हम देख रहे हैं, क्योंकि 400 पेड़ तो कट चुके हैं, आरोप ये भी लगाया जा रहा है, और अगर बाकी और पेड़ कटते हैं, 2300 पेड़ और कट जाते हैं, तो स्थिति क्या होगी? जो जीव जंतु हैं वो सड़कों पर आएंगे, वो लोगों पर हमला करेंगे, फिर उन जीव जंतुओं को पकड़कर, क्योंकि हम ज्यादातर सुनते हैं कि उस चीते ने उस पर हमला किया, उसके बाद उनको पकड़कर फिर दूसरे जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जंगल कब रुकेंगे? इनका कटना ही रुकना चाहिए, जिससे कि आखिर उनका जो आवास है, जीव जंतु का जो आवास है, जो अपने घर में रह रहे हैं, हम उनको बेघर क्यों करें? और तभी वो, अगर उनका घर होगा वहां पर, फिर वो हम लोगों पर हमला करेंगे ही नहीं, वो हमारे घरों में क्यों आएंगे? चलिए, जिस तरीके से सुनील, जिस तरीके से बात मैं आपको बताता हूँ, अभी नया ट्रेंड चला है ट्री हाउसेस का। जिस तरीके से लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए ट्री हाउसेस में जाते हैं और ट्री हाउसेज में जाकर वहाँ पर रहना चाहते हैं, अब आपको लगता है कि इस तरीके से आप पेड़ काट रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ट्री हाउसेज थोड़े दिनों बाद आने वाली पीढ़ी को आप शायद ट्री हाउसेज में ले जाकर ही पेड़ दिखाएंगे, वो भी ठूंठ जो होते हैं उनके ऊपर बने हुए मकान, एक हरा भरा पेड़ जिसे देखने के लिए शायद आप तरस जाएं आने वाले समय में, ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। बच्चों को हमें दिखाना होगा कि जो हमारे आंगन में लगा हुआ है वो असल में प्लास्टिक का पेड़ है और असली पेड़ ये होता है। जब उन्हें जाकर उन्हें दिखाएंगे, जब वो छूकर उसे देखेंगे, जब उसकी ठंडी हवा को महसूस करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि असल में ये पेड़ होता है। लेकिन अतुल, यहाँ पे एक जो अच्छी बात आई है वो सामने ये आई है कि इन सब चीजों के, इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारा युवा इस समय उठ खड़ा हुआ। सही बात है, विदेश में हम ग्रेटा की बात कर रहे हैं और अगर इस तरह से लोग खड़े होके आ रहे हैं, इस तरह से युवा खड़े
हो रहे हैं, तो वाकई में एक बहुत अच्छा आंदोलन है, बहुत अच्छी बात है। और सलाम करता हूं मैं उन युवाओं को, उन लोगों को जो इस समय इन पेड़ों को काटने से रोक रहे हैं। पता नहीं कितने ग्रेटा हमारे यहाँ विष्णु लांबा जी जो दिख रहे थे अभी, वो भी युवा मन ही दिख रहे थे, जो जिस तरीके से वो भी ट्री मैन कहलाते हैं जी। विष्णु लांबा जी वो भी एक विशेष, विष्णोई भी एक युवा है जो कि कई तरह से इस तरह के जाके इस मुहिम को छेड़ते हैं। उनका अपना एक अलग तरीका है उसका। और जब इस तरह का युवा जब बाहर आता है, इस तरह का युवा जब वायु बन के बाहर आता है, तो लगता है कि हमें प्राण वायु आज मिल रही है। चलिए सुनील, ये चर्चा बहुत लंबी है, चर्चा समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, परंतु बात इतनी सी है कि कहीं ना कहीं इन पेड़ों को बचा लीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इन पेड़ों को बचा लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। हमारे सभी जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उन सबका हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। परंतु एक चीज और भी है सुनील, जाते जाते ये चीज तो हम अपने चैनल के थ्रू लोगों को समझा दें कि जो सही है उसको सही कीजिए, वाकई में पेड़ों को बचाइए, जलवायु की बात है, आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध हवा बचा के रखिए, ताकि कहीं ना कहीं आप एक जो स्वस्थ रहने की परिधि के साथ जीना चाहते हैं उसमें जी सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।